मेडिटेशन में उतरो, बाहरों में नहा कर देखो जिंदगी क्या है। किताबों को हटा कर देखो ये जिंदगी क्या है। किताबों को हटा कर देखो, अंतस ध्यान में उतरो, मेडिटेशन में उतरो, तुम ध्यान में उतरो। ध्यान में उतरो, बहारों में नहा कर देखो। ध्यान में उतरो, ध्यान में उतरो, बहारों में नहा कर देखो। वो तो एक नूर है, वो सितारा है, बोलो ईश, वो सितारा है, चमकने दो जरा नजरों में, वो सितारा है, चमकने दो जरा नजरों में। क्या गजब मस्ती है, क्या गजब मस्ती है, भीतर में तुम आकर देखो। क्या गजब मस्ती है, भीतर में तुम आकर देखो। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। ध्यान में उतरो, अंतस ध्यान में उतरो, मेडिटेशन में उतरो। मेडिटेशन की प्रोसेस में उतरते चले जाना। मेडिटेशन किया नहीं जाता, मेडिटेशन होता है। जो भी किया जाता है वो मेडिटेशन नहीं होता। मेडिटेशन है थोड़ी देर के लिए तुम नॉन डूअर होकर के माइंड की डूइंग्स को देखते रहना, अकर्ता होकर के भीतर का दृष्टा साक्षी होकर के तुम जागे जागे रहना। बाहर की दोनों पलकों से अपनी आंखें मूंद लेना जो बाहर की ओर खुल रही है। बाहर बहती 80% एनर्जी को भीतर की ओर मोड़ लेना, भीतर की ओर उड़ेल देना, और स्वयं भीतर के नेत्र से कनेक्टेड हो जाना जो सदा देख रहा है,
परंतु हमारी सुरती, हमारी होश, हमारी रिमेम्बरेंस खो गई है। पुनः उसको लौटा लेना ही मेडिटेशन है, सेल्फ रिमेम्बरेंस में उतरते चले आना। आप अपने शिव नेत्र से, थर्ड आई से, इस दिव्य चक्षु से, इस सारे प्रकाश, ऊर्जा, एनर्जी के तमाम पावर के स्रोत से तुम जुड़ते चले जाना। बाहर की दोनों पलके मूंदते ही सहज पूर्वक आप भीतर की ओर देखने लगते हो। बस उसी एकमात्र प्रोसेस में रहना, तुम देखने वाले होना। हम सबका स्वभाव है देखना। बाहर देखते देखते भीतर की ओर बह उठना, भीतर की ओर प्रायोरिटी रखना, भीतर की ओर अपनी प्यास को रेलते चले जाना। सहजता में वही देखना जो स्वतः दिखाई दे रहा है। अक्सर होता ऐसा ही है कि जो ही हम अपने भीतर की ओर थोड़ा सा टर्न करते हैं तो माइंड का टेलीविजन स्टार्ट हो जाता है। भीतर का ये टीवी, भीतर का टेलीविजन तुम जाके जाके देखते रहना। जो भी तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे सामने, तुम्हारे भीतर की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो रहा है उसको देखते रहना, लगातार देखते रहना। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़ है, द्वंद्व है, द्वैत है, माइंड की ईगो है। ईगो इज माइंड एंड माइंड इज ईगो। उसके स्वभाव को देखने वाले होना। तुम स्वयं जागे जागे देखते रहना, लगातार देखते रहना भीतर की गति को, भीतर की हर स्थिति के दृष्टा हो जाना। इस संगीतमय लहलहाती सरिता में तुम बहते चले जाना। आपने करना कुछ नहीं, आपने केवल मन की करनी को डायरेक्ट देखना है। माइंड इज ऑलवेज इन डूइंग्स एंड यू आर ए सीयर, विटनेस एंड ऑब्जर्वर। यू रिमेन विद योर ट्रू नेचर। You are a neutral energy. Simply watch whatever happening before you inside. You simply watch, watch, only watch. Not to indulge in any thought. Not to involve in any activity of mind. अपनी बीइंग, अपनी एग्जिस्टेंस, अपने ट्रू नेचर में रहना। यू आर ए नॉन डूअर, तुम अकर्ता हो, एक निरपेक्ष ऊर्जा हो, जगमगाते महासूर्य हो। तुम स्वयं शिव नेत्र हो, तुम स्वयं देखने वाले हो। सहज पूर्वक अपने भीतर की राह पर उतरते चले जाना, अर्थात देखते चले जाना। तो मन से हटते चले आना, अंधेरों से हटते चले आना, विचारों से वापिस लौटना। जागे जागे देखते रहना, अवसर देना अपनी थर्ड आई को देखने का, जगमगाने का, एक मौका देना मालिक के प्रति जागने का, अपने माइंड को देखने का, अपने माइंड की एक्टिविटी को समझने का, माइंड के स्वभाव को समझने का अवसर देना अपने आप को, अपनी थर्ड आई को।
मन से हटने की कला मेडिटेशन। मन से हटना, मन को हटाना नहीं, मन से स्वयं हटते चले आना, अपनी स्वाभाविक स्थिति में, अपने ट्रू नेचर में, अपने शिव नेत्र में, अपने स्रोत में लौटते चले आना। बाकी नहीं तमन्ना, अब कोई जिंदगी में बाकी नहीं तमन्ना, अब कोई जिंदगी में मैंने प्रभु को पाया, मैंने प्रभु को पाया, मैंने उस प्यास को पाया, प्रीतम की उस गली में मैंने प्रभु को पाया। अपनी डिविनिटी को अनुभव किया, अनुभूत किया, अपने ही दिल की गली में मैंने खुदा को पाया, मैंने खुदा को पाया, महबूब की गली में मैंने खुदा को पाया, महबूब की गली में मैंने खुदा को पाया, महबूब की गली में बाकी नहीं तमन्ना, अब तो बाकी नहीं तमन्ना, अब कोई जिंदगी में बाकी नहीं तमन्ना, अब कोई जिंदगी में तमन्नाओं की एकमात्र तमन्ना अपने भीतर ही पूरी होती चली गई। जो जो मैं अपनी ओर मुड़ा, अपने निकट उतरा, अपने समीप आया, अपनी ओर मुड़ा, अपने ही केंद्र, अपने ही सेंटर पर मैं जो जो लौटता चला आया, मैं लौटपोट होता चला गया, मैं पूर्ण स्वस्थ होता चला गया, आनंदित होता चला गया, मैं स्वयं सुखों का भंडार होता चला गया, मैं मनोरोग हृदय रोगों का कदाचित भी शिकार न रहा, मैं अपनी संस्कृति, अपने जागरण, अपने होश, अपने श्रुति में जो जो लौटता चला आया, जो जो अपनी थर्ड आई में, अपने स्रोत में मैं जुड़ता चला गया, तो यही पुकार उस मालिक के प्रति बार बार उठी, बाकी नहीं तमन्ना, अब कोई जिंदगी में 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 मैंने स्वयं को पाया, मैंने स्वयं को पाया, महबूब की गली में मैंने स्वयं को पाया, महबूब की गली में मैंने स्वयं को पाया, मुर्गा
खुर्शीद की इस गली में मैंने खुदा को पाया, महबूब की गली में। मेरा यार दोनों एक बस्ती में बसते हैं, मैं और मेरा यार दोनों इस बस्ती में बसता है, शरीर रूपी बस्ती में बसता है, इस विराट अस्तित्व में बसते हैं। मैं और मेरा यार दोनों इस बस्ती में बसते हैं, परंतु किस्मत की क्या खूबी है कि दर्शन को तरसते हैं। क्या गजब है कि दोनों एक गली में रहता है फिर भी मिलन नहीं हो पाता। हम उसको बाहर ढूंढते हैं, वो मिलता भी तरह है। हमने जब तक बाहर खोजा तब तक हाथ नहीं लगा, और जो ही अपने भीतर की ओर मुड़ा है, अपने भीतर खोजा, तो कोई भी हाथ खाली लेकर के वापस नहीं लौटा, सब भरपूर हाथ लेकर के आया। अपने भीतर अपनी प्यास, अपनी प्रायोरिटी, अपनी और थोड़ी प्रायोरिटी, अपनी प्यास, अपनी थर्स्ट, अपनी हंगर, अपने को जानने की भूख प्यास, थोड़ी सी भी किसी संगति में बैठ करके लग जाती है, किसी कंपनी में बैठ के लग सकती है, किसी के सानिध्य में बैठ करके लग जाती है, तो वह एक दिन तुझको सहस्रार के शिखरों को चूमने का अवसर देगी। एक दिन वो बैठा मालिक स्वयं प्रकट होता चला जाता है, स्वयं मिलन होता चला जाता है, स्वतः ही समर्पण होता जाता है। जो जो तो मन से हटता है, मन अपने आप वापस लौटता चला आता है तेरे पीछे पीछे। मन के पास अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है तेरा है, तूने दिया, तूने अपना आप सब कुछ, अपना आप ही दे दिया सब कुछ। हम मन के हाथ दे करके मन ही हो गया, और जिंदगी भर तू माइंड ही होकर के जी रहा, और ये माइंड, आई एम माइंड, ये एकमात्र जीने की दिशा जो अरिस्टोटल के लॉजिक ने दी, आज गलत ठहर गई है। बिल्कुल अधूरी जिंदगी है। आई एम माइंड, मैं मन हूं। आज तक ये पाश्चात्य देशों की धारणा आज पूरी तरह से चोट खा रही है। नहीं, आई एम नॉट ए माइंड, आई एम बियॉन्ड इट, आई एम ए रियल मास्टर। दिस माइंड इज माइंड, आई एम नॉट ए माइंड। ये एकमात्र सच्चाई, एकमात्र तथ्य जिसने भी उघाड़ लिया, अपने ही भीतर मुड़कर के जान लिया, वो सदा सदा के लिए स्वस्थ हुआ, वो सदा सदा के लिए संतुष्ट हुआ, वो सदा सदा के लिए एनर्जेटिक हुआ, वो सदा सदा के लिए कर्मशील हुआ। उसके पास दोनों ओर की श्रुति है, दोनों ओर की स्मृति है, दोनों ओर की जागे है, दोनों ओर का जागरण है, दोनों का समन्वित रूप है। और जब ये मन के तल पर प्रेम की महान आभा उतरती है, समर्पित भाव उतरता है, सरलता, सहजता, विनम्रता, निराभिमानता का महान आकाश गूंजता है, तो उस समय तो सरे बाजार कहता है, मैंने खुदा को पाया, मैंने खुदा को पाया, महबूब की गली में मैंने स्वयं को पाया।
स्वयं को पाया। महबूब की गली में मैंने खुदा को पाया। महबूब की गली में बाकी नहीं तमन्ना। सिकंदर के ताज, सिकंदर के तख्त, सिकंदर के सिंहासन पर भी हो आनंद नहीं बरसा, वो बलिस नहीं बरसा, पश्चाताप ही बरसे, पछतावा ही बरसा। कितने शिखर बाहर के विज्ञान के, बाहर के उपलब्धियों के, बाहर के तमाम वैभव की, हाथ जिस जिस के भी लगे वो हमें क्या दिशा दे रहे हैं, वो हमें क्या इशारा कर रहा है। क्या मॉर्गन रॉकफेलर कार्नेगी के बड़े बड़े शिखर, क्या चाइल्ड रुथ के बड़े बड़े शिखर, क्या जूलियस सीजर के बड़े बड़े शिखर कोई कम कीमत के नहीं है। कमाल है वो शिखर, गजब के शिखर हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अपना शिखर, अपनी शक्तियां रखते हैं। परंतु उन सभी शिखरों पर बैठ करके, उन तख्तों पर बैठ करके, उन ताजदार होकर के भी, उन तमाम शिखरों पर विराजमान होकर के भी वह एकमात्र दो आंसू ही लेकर के जा रहा है, एकमात्र पश्चाताप पछतावा ही लेकर के जा रहा है, एकमात्र भीतर असंतुष्टि का शिखर, असंतुष्टि का एकमात्र अंधेरा ही लेकर के जा रहा है, अंधकार ही लेकर के जा रहा है। कितना गजब इशारा करते हैं वहां, क्या गजब कहते हैं। जितना सकू है तेरी इस फकीरी में, जितना सकूं है तेरी गदादिरी में, जितना सकूं है तेरी गदादिरी में, उतना सकूं कहाँ है। ताजे सिकंदरी में उतना सकूं कहाँ है, ताजे सिकंदरी में उतना सकूं कहाँ है। अपने को पा लेने में, अपनी समृद्धि लौटा लेने में, अपनी शुद्धि लौटा लेने में, अपनी एनलाइटन स्टेट को लौटा लेने में, उसकी खोज उसकी तलाश में, अगर कोई उतर करके सब बाहर की बर्बादियों का दौर भी देख लेता है, अगर सब कुछ खो जाता है, तो भी तूने बहुत बहुत गजब का पा लिया है। तूने ही पाया है, जो बाहर को बचा लेते हैं और भीतर को कुर्बान कर देते हैं, भीतर को खो बैठते हैं, उनके हाथ ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, एकमात्र राख की ढेर होकर के हम चले जाते हैं। एकमात्र मुट्ठी भर राख होकर के, एक छोटी सी पोटली में थोड़े से फूल होकर के रह जाता है, और वो भी गंगा में बहा दिए जाते हैं। ये कीमत है इस जिंदगी की कि चौथा के बाद कोई घर वाला पूछता भी नहीं, याद भी नहीं करता। अगर कोई याद करता है तो अपने सुखों के लिए करता है, तेरे लिए नहीं करता। अगर सब कुछ खो के भी मैंने भीतर का पाया,
अगर सब कुछ खो करके भी, सब कुछ कुर्बान करके भी, अगर मैंने अपना आप पाया, अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना, अपनी सुरती लौटा लाया, तो सारे संसार का मालिक होकर के जिया, सारे जगत का मालिक होकर के जीता है। वहां जो अपनी सुरती जगा लेता है, वो सारे संसार का बादशाह होकर के जीता है। दुनिया भर के सम्राट, दुनिया भर के बादशाह, दुनिया भर के शहनशाह उसी एकमात्र दिशा को पाने के लिए चले आते हैं उसके द्वार पर, जहां सुरती का दीप जला, सुरती की क्षमा जगमगाई, वहां पतंगे परवानों की कमी ना रही। वहां चहो दिशाओं से चले आते वो तमाम बड़े बड़े शिखर जिनको तलाश है अपने सुख की, शांति की, स्वास्थ्य की, अपनी शक्तियों की, अपने अस्तित्व की। थोड़ी सी भी प्यास, लगन, उत्कंठा जग जाए तो तू स्वयं में धन्य धन्य हो जाए। तू स्वयं जान पाए कि जिंदगी की कीमत क्या है। सब कुछ बाहर पाकर के भी कुछ हाथ नहीं लगा तो मैंने क्या पाया, क्या खोया? मैंने कभी जाना भी नहीं, कभी मैंने एनालाइज नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया, कभी विश्लेषण तक नहीं किया, कभी मैंने जाना नहीं कि मैं क्या दे रहा हूं और क्या ले रहा हूं, मैं कितना गजब का खजाना दे रहा हूं श्वासों का, और मैं ले क्या रहा हूं, मेरे हाथ क्या लग रहा है। कभी भी ये प्रूडेंस, ये विजडम तेरे भीतर थोड़ी सी जग जाए तो तेरे शिखर आसमान को चूमने लगे, फिर तू भी उस मालिक के हाथ अपना आप सौंप करके कह देता है, चाहे मुझे बना दे, चाहे मुझे मिटा दे, 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 मेरी हर खुशी है शामिल, मेरी हर खुशी है शामिल, मेरे यार की खुशी में, मेरी हर खुशी है शामिल, I will shall prevail, I will shall prevail, I will prevail, I will prevail, I will prevail, meri har khushi hai shamil, mere yaar ki khushi mein, meri har khushi hai shamil, मैंने स्वयं को पाया, मैंने स्वयं को खोजा, मैंने स्वयं को देखा, महबूब की गली में मैंने खुदा को पाया, महबूब की गली में मैंने खुदा को पाया।